हेलो हाय नमस्ते नमस्कार, मैं राज गौतम आप सभी अपने व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे बिल्कुल एक नए फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, आज जिस हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है केंद्रीय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9 2022 के बारे में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराया जाता है, जिसके थ्रू आप केंद्रीय विद्यालय में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए और हम बात करेंगे कि क्या होने वाला है एग्ज़ाम पैटर्न इस साल, आखिरकार क्या सिलेबस है हमारे एग्ज़ाम में और क्या रहेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे वीडियो पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, कि आखिरकार कैसे क्वेश्चंस रहेंगे और क्या रहेगा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, और जब आप इस 100 क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं तो मैथ के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन, मतलब हिंदी के भी 20 और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन और सोशल साइंस के भी 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, और आपको इसमें 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो ये आपके लिए 3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, और इसका एग्ज़ाम OMR सीट पे होता है। तो जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाएँ तो ब्लैक और ब्लू बॉल पेन अपने साथ कैरी करें, और इसमें आपको एक क्वेश्चन पे 1 मार्क होते हैं। तो ये था हमारा एग्ज़ाम पैटर्न हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो हम जान लेते हैं कि आखिरकार क्या होगी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो 31 मार्च 2022 तक आपकी डेट 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए, या तो 13 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 15 साल से बड़ा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसके बीच हैं तो आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं बिल्कुल ही ईजिली। तो ये थी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो मैथ सब्जेक्ट पे हम सबसे पहले हम आते हैं। तो मैथ्स पे आपको आपके क्लास 8 के बुक पे मेन ध्यान देना होगा, क्योंकि इसके 80-90% सिलेबस आपकी क्लास 8 की बुक से रहते हैं। अगर आप उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखें या फिर चैप्टर्स को देखें तो वो होंगे आपको रेशनल नंबर, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, ये सब एरिया पैरीमीटर, एलजेब्रा, ये सब इसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे। तो अगर आप अपनी क्लास 8 की बुक अच्छे से करें तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ही अच्छा जाएगा। अब हम देख लेते हैं हमारे साइंस सब्जेक्ट में क्या है। तो साइंस में आपको अपने कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखें तो वो होंगे क्रॉप प्रोडक्शन, नेचुरल फिनोमेना, लाइट, फोर्स, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करें और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से करें तो आपको साइंस में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देख लेते हैं हमारे थर्ड सब्जेक्ट यानी SS में क्या सिलेबस है। तो SS में आपको अपने क्लास 8 की बुक्स पे मेन फोकस देके चलना होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइडेड होके आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। तो अगर आप अपनी क्लास 8 की बुक के चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करें तो आपको SS में कोई खासा मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपकी बुक से ही मेनली होंगे। अब हम देख लेते हैं हमारे फोर्थ सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, जो कि हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको अपने ग्रामर पे मेन फोकस देना होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन ग्रामेटिकल होते हैं और बिल्कुल ही ग्रामर पे बेस्ड होते हैं। अगर आप उससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लें तो वो होंगे नाउन, प्रोनाउन, अनसीन पैसेज, रीअरेंजिंग ऑफ जंबल वर्ड्स, एंटोनिम, सिनोनिम, तो ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। तो आपकी अगर ग्रामर सही है तो आपका एग्ज़ाम इंग्लिश पार्ट बहुत ही अच्छा जाएगा। अब हम देख लेते हैं हमारे फिफ्थ और लास्ट सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है। तो हिंदी में आपको हिंदी में भी आपको ग्रामर के ही क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, वर्ण विचार, संधि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, यही सब होते हैं। तो अगर आपका हिंदी में भी ग्रामर अच्छा है तो आपका हिंदी भी बहुत ही अच्छे से जाएगा। तो ये था हमारा सिलेबस हमारे केंद्रीय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने केंद्रीय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9 से रिलेटेड सभी क्वेरीज को क्लियर करने की कोशिश की है। हमने जाना कि क्या होने वाला है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न, हमने ये भी देखा कि हमें क्या क्या सिलेबस करने हैं और क्या होगी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई करके आपके डाउट्स को बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने ज़ोरदार हाथों से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे एजुकेशनल कंटेंट और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अपडेट और रिव्यूज़ लाने वाला हूँ। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। हम मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग RJ मैथमेटिक्स।